ऑलराइट, सो इस वाले गेम प्ले वीडियो में आप लोगों को भाई बैक टू बैक इंटेंस क्लचेस देखने को मिल जाएंगे। सो जो आप लोगों ने अभी प्रीव्यू देखा बस उसे ही हम लोग इस वाले वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। एंड इसके लिए हम लोग VN वीडियो एडिटर यूज करने वाले हैं। वीडियो एकदम डिटेल में होने वाली है ताकि जिस बंदे को एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती वो भी आराम से एडिट कर पाए। एडिटिंग की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि इस टाइप की वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए भाई एटलीस्ट एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा नीचे उसे दबा देना। अब हम लोग मेन एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो रहेगा कि आप लोगों ने अपनी सारी क्लिप सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसे अपने VN वीडियो एडिटर में इंपोर्ट कर लेना है। गेम प्ले फालतू में लंबा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी क्लिप्स आप लोगों को नेसेसरी लगे जो कि थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस हो जिसमें ज्यादा आप लोगों को खुद को मजा आ रहा होगा उन्हें ही आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। देन उन्हें सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना फटाफट से इधर पे। उसके बाद आप लोगों ने एक काम और करना है, वो रहेगा कि आप लोगों ने अपनी सारी क्लिप्स को क्रॉप कर लेना है, एक्स्ट्रा वाले पार्ट को आप लोगों ने रिमूव कर देना है। एंड जब आप लोग इस वाले काम को करोगे उस टाइम पे आप लोगों को वो चीजें तो पता चल जाएगी कि कहां कहां पे हमारा गेम प्ले कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गया है। एंड जिस जिस जगह पे आप लोगों का गेम प्ले कुछ ज्यादा इंटेंस देखने को मिल रहा है वहां पे आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी क्लिप्स काट लेनी है। देन उन क्लिप्स को आप लोगों ने डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करी वाली क्लिप को आप लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में लेके आ जाना है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्लिप थोड़ी सी इंटेंस ही लगी, इसे मैं सबसे पहले स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट करने के बाद मुझे सिंपली इसे डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करके इस वाली क्लिप को मैं सबसे स्टार्टिंग में लेके चले जाऊंगा। नाउ ऐसी दो तीन क्लिप्स आप लोगों ने भाई सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में लेके आ जानी है जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा इंटेंस लग रही है अपने गेम प्ले में। एंड इन्हीं क्लिप्स का यूज करके हम लोग अपने गेम प्ले का इंट्रो बनाने वाले हैं। अभी आप लोग देख सकते हो इन तीन क्लिप्स का मैं यूज करने वाला हूँ इंट्रो बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे एक इंटेंसिव म्यूजिक ऐड कर लेनी है मेरी तरह, जिसमें थोड़ी टीजर टाइप की आप लोगों को जो वाइब मिले। म्यूजिक ऐड हो जाने के बाद उसकी जो स्टार्टिंग वाली बीट्स रहेगी जो कि आप लोगों को इंटेंस लग रही है उसे आप लोगों ने अपनी जो वीडियो रहेगी हमारी मेन क्लिप उसके साथ सिंक करना है। अभी आप लोग इस वाली म्यूजिक को ध्यान से सुनो। म्यूजिक में स्टार्टिंग में आप लोगों को दो तीन बीट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हीं बीट्स को हम लोग अपनी वीडियो के साथ सिंक करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले जो भी पार्ट आप लोग सिंक करना चाहते हो म्यूजिक का उसे आप लोगों ने क्रॉप करके रख लेना है, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी करके दिखा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोग म्यूजिक को आगे पीछे भी कर सकते हो अपनी वीडियो के हिसाब से। अब आप लोगों ने अपनी जो क्लिप रहेगी उस पर क्लिक करना है। देन उस वाली क्लिप का जो आप लोगों का बीच वाला पार्ट रहेगा जहां से आप लोगों की मेन क्लिप स्टार्ट हो रही है, मेन इंटेंस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसे आप लोगों ने क्रॉप कर लेना है, जैसा कि मैं यहां पे इस वाली क्लिप में कर रहा हूं। क्रॉप करने के बाद जो आप लोगों का मेन वाला पार्ट रहेगा उसमें आप लोगों ने स्लोमो देना है, 0.5 के आसपास का स्लोमो दे देना। कर्व वगैरह का यूज नहीं करना है, रेगुलर स्लो मोशन देना है। स्लो मोशन देने के बाद अपनी क्लिप को आप लोगों ने म्यूजिक के अकॉर्डिंग आगे पीछे करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली जो हमारी म्यूजिक रहने वाली है जहाँ पे उसकी बीट आएगी मेन उसे अपने स्लोमो वाले पार्ट में ला लेना है। जिस पार्ट में आप लोगों ने स्लोमो दिया है उसका साउंड भी आप लोगों को जीरो करना है, वो चीज बहुत ही जरूरी है। देन इसके बाद आप लोगों को अपनी क्लिप कुछ इस टाइप की दिखेगी। सेम प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने जितने भी अपनी क्लिप सिलेक्ट कर रखी है उन्हें इंट्रो में ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सभी में म्यूजिक को भी ऐड कर देना है, सिंक कर देना है। एंड जहाँ पे आप लोगों ने स्लोमो दिया है सिर्फ वहीं वाले पार्ट में आप लोगों को म्यूजिक ऐड करनी है, आलतू फालतू हर पार्ट में म्यूजिक ऐड नहीं करनी है। इस चीज में आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों ने ये वाले पार्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है क्योंकि ये आप लोगों का इंट्रो होने वाला है। इसी को देख के आप लोगों का जो व्यूअर रहेगा वो आप लोगों की वीडियो में हुक होगा। नाउ तीन चार क्लिप्स में सेम प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप का आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से कुछ ट्रांजिशंस दे देते हैं। आप लोगों ने सिर्फ एक ट्रांजिशन देना है जो कि रहेगा हमारा फेड इन वाला ट्रांजिशन, ब्लैक फेड। इसे आप लोगों ने हर एक क्लिप के स्टार्टिंग में देना है, स्लोमो वाली क्लिप के स्टार्टिंग में नहीं देना है, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी करके दिखा रहा हूँ। ये चीज बहुत ही ज्यादा सही लगेगी क्योंकि जब जब हमारी वीडियो चेंज होगी उस टाइम पे हमें थोड़ा ब्लैक टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो भी म्यूजिक आप लोगों ने जो टीजर बनाने में यूज करी है अगर उसका बाद वाला पार्ट भी अच्छा है तो आप लोग उसी म्यूजिक का कंटिन्यूएशन को यूज कर सकते हो अपने वॉइस ओवर की स्टार्टिंग के लिए। उसके लिए सिंपली जैसे ही उस वाली म्यूजिक में सॉन्ग वगैरह चालू हो रहा है या फिर ट्रैप वगैरह चालू हो रहा है उस वाले पार्ट को आप लोगों ने अपने जहां से मेन गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है इंट्रो के बाद वहां पे लाके सेट कर देना है, जैसा कि मैंने अभी किया आप लोगों के सामने। देन इसका साउंड आप लोगों ने थोड़ा सा लो कर देना है। अब मेन वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए अगेन म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा लास्ट में, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों ने रिकॉर्ड वाले आइकन को दबा के रखना है। इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के थ्रू आप लोग अपने वॉइस ओवर को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए कुछ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो अभी मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसमें जब तक मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी होगी मैं तब तक की ही वॉइस रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद मैं अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग इसे डिलीट या फिर क्रॉप भी कर सकते हो। नाउ ये रहा मेरा वॉइस ओवर। ऑलराइट, सो इस वाले गेम प्ले वीडियो में आप लोगों को भाई बैक टू बैक इंटेंस क्लचेस देखने को मिल जाएंगे।
अब इसी सिमिलर वे में आप लोग अपनी वीडियो की अलग अलग जगह पे वॉइस ओवर्स कर सकते हो छोटे छोटे। एंड देखो पूरे गेम प्ले में अगर वॉइस ओवर रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ आप लोगों ने जब अपनी क्लिप स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे वॉइस ओवर देना है, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इस वाली क्लिप को ध्यान से देखो एंड वॉइस ओवर को भी ध्यान से सुनो। इधर पे एक बंदा पहले से कैंप कर रहा होता है तो देखो इसे कैसे मारते हैं। अब इस टाइप से कुछ आप लोगों ने अपने वॉइस ओवर्स को डालना है, देन जितनी जगह पे आप लोगों का वॉइस ओवर रहेगा उस वाली क्लिप को आप लोगों ने क्रॉप कर लेना है एंड उसका जो साउंड रहेगा उसे जीरो कर देना, या फिर थोड़ा कम भी आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने वॉइस ओवर को थोड़ा सा फास्ट रखना एंड क्लिप्स को भी थोड़ा छोटा छोटा रखना, ऐसे में आप लोगों की ऑडियंस बोर नहीं होगी एंड वीडियो में लंबे टाइम तक की बनी रहेगी। इस टाइप से आप लोगों ने अपनी पूरी की पूरी वीडियो में वॉइस ओवर कर लेना है जगह जगह पे, एंड वॉइस ओवर्स को कनेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो चीज पे भी आप लोगों ने खास ध्यान देना है। जो मैंने आप लोगों को अभी अभी क्लिप दिखाई थी प्रीवियसली, उसे आप लोग जाके अगेन देख सकते हो, वहां पे मैंने किस टाइप से अपने प्रीवियस सिचुएशन को कनेक्ट किया है। जब आप लोग अपनी पूरी वीडियो में वॉइस ओवर कर लोगे उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि कौन सी जगह जो है थोड़ी बहुत फनी है या फिर जहां पे थोड़ी अलग टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे हम लोग मीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। वो चीज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे करनी है। तो मीम्स या फिर ओवरले ऐड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक प्लस टाइप का आइकन देखने को मिल रहा होगा फोटो के साथ, उस पर सिंपली क्लिक करके स्टॉक सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप लोगों के पास जो भी मीम्स है या फिर जो भी आप लोग चीजें ऐड करना चाहते हो, फोटोज भी हो सकती है वीडियोज भी हो सकते हैं, उन्हें आप लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर एंड उसकी आप लोगों के वीडियो के ऊपर एक लेयर ऐड हो जाएगी। देखो अगर आप लोग वीडियो के बीच में एज अ ट्रांजिशन इन्हें ऐड करना चाहो तो वो चीज भी आप लोग कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आप लोगों को इन्हें एक नॉर्मल वीडियो की तरह इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने सारी क्लिप्स ऐड करी थी वैसा ही इन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्हें एज अ ओवरले यूज करो, वो चीज ज्यादा बढ़िया रहेगी। इसके लिए भी आप लोगों को कई सारे एडिटिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे नॉर्मल वीडियो में मिलते हैं, आप लोग सभी का यूज करके अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। मुझे इसकी अपनी वीडियो में उतनी ज्यादा नीड नहीं लग रही है इसलिए मैं इसे यहां से रिमूव कर देता हूं अभी के लिए तो, बट आप लोग इस तरह से अपनी वीडियो में कई सारे पार्ट्स में मीम्स वगैरह ऐड कर सकते हो, इंटरेस्टिंग बनाती है वीडियो को मीम्स डेफिनेटली। बट इनका भी आप लोगों ने ओवर यूज नहीं करना है, जहां जहां नेसेसरी है वहीं पे यूज करना। अब अगर वीडियो में आप लोगों को टेक्स्ट ऐड करना है तो जहां से हम लोगों ने भाई अपना ओवरले ऐड किया था उसी के ऊपर आप लोगों को टेक्स्ट का भी आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना। यहां पे कई सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, किसी का भी यूज आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अपने हिसाब से जो भी चीज लिखना चाहो लिख लेना। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे हेलो लिख लेता हूँ एंड इसके बाद टेक्स्ट जो है उसे आप लोग बीच सेंटर में भी रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आप लोगों की ब्लैक पट्टी नीचे छूट जाती है उस पे आप लोग इसे लगाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड आप लोग जहां जहां देना चाहो इसे दे सकते हो, कहीं पे भी टेक्स्ट आप लोग ऐड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर वगैरह दे रहे हो तो आप लोगों को टेक्स्ट ऐड करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। स्टिल आप में से कई सारे लोग ऐसी चीजें भी पूछते रहते तो मैंने बता दिया। इतनी चीजें ऐड करने के बाद सिर्फ एक चीज बच जाती है आप लोगों की वीडियो में, जो कि रहता है आप लोगों का आउट्रो, एंड वो मैं आप लोगों के ऊपर कंप्लीटली छोड़ना चाहता हूँ। आप लोग कैसा भी आउट्रो देना चाहो दे सकते हो, वॉइस ओवर वगैरह ऐड करना चाहो या फिर कोई नेक्स्ट गेम प्ले की क्लिप डालना चाहो या एंड स्क्रीन वगैरह, सब कुछ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये वाला पार्ट आपको खुद से डिसाइड करना है। उसके बाद अब बात आ जाती है एक्सपोर्ट सेटिंग्स की। एक्सपोर्ट में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैक्स सेटिंग रखने की ट्राई करना, वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी आप सभी के लिए। बाकी ज्यादा क्वालिटी में एक्सपोर्ट करने पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, एंड अगर आप लोगों के पास कोई उतना अच्छा डिवाइस नहीं है उस केस में आप लोग 1080p 60fps में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड बिट रेट जो आप लोगों को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा उसे ही यूज कर लेना। अब कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूं जो कि आप लोगों की गेम प्ले वीडियो प्रिपेयर करने में स्पेशली वॉइस ओवर वगैरह करने में हेल्प करेगी। जिसमें से पहली टिप रहने वाली है कि आप लोगों ने हमेशा अपनी जितनी भी इंटेंस वाली क्लिप्स रहेगी उन्हें ही सिलेक्ट करना है, आलतू फालतू जो आप लोग बॉट वगैरह मार रहे हो बंदे फिनिश कर रहे हो उनको कभी भी यूज नहीं करना है, ऐसी क्लिप्स देख के अक्सर ऑडियंस बोर हो जाती है। देन सेकंड टिप रहेगी कि आप लोगों ने अपने जो गेम प्ले रहेगा उसे थोड़ा सा फास्ट पेस्ड रखना है, मीन्स लूट वगैरह या फिर एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें रहेगी सब कुछ क्रॉप कर देना एंड थोड़ा सा फास्ट रखना अपने वॉइस ओवर को भी। इससे हो सकता है कि आप लोगों की वीडियो थोड़ी छोटी बने लेंथ में लेकिन आप लोगों की ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आएगी। टिप नंबर 3 रहेगी कि आप लोगों ने अपने वॉइस ओवर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते जाना है हर एक क्लिप के साथ। ये चीज मैंने आप लोगों को वॉइस ओवर वाले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करी विद एग्जांपल, एक और बार देखना चाहो उस वाले पार्ट को तो टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हो। इसके अलावा वॉइस ओवर को जितना ज्यादा क्लियर रख सकते हो रखने की ट्राई करना, एंड म्यूजिक वगैरह अगर वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में ऐड करना चाहो तो वो चीज भी आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग इतनी चीजें कर लेते हो आई एम प्रीटी मच श्योर कि भाई आप लोग एक अच्छी खासी गेम प्ले वीडियो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर पाओगे। तो वीडियो में इतना ही, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। इस वाली वीडियो को बनाने में अगेन मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, ऑलमोस्ट 260 प्लस वॉइस ओवर्स के मेरे छोटे छोटे कट्स आप लोगों को इस वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो प्लीज यार एटलीस्ट सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना, और जितने भी आप लोगों के दोस्त है जो कि एडिटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं गेम पे वीडियोस अपनी बनाना चाहते हैं उनके साथ आप लोग वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।